हेलो स्मिता जी, थैंक हाय यू फॉर टेकिंग टाइम टू टॉक टू मी एंड फ्रेंड्स। टुडे वी हैव स्मिता जैनकर जी, आप सब जानते हैं, शी इज द मॉम ऑफ आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान एंड सो मेनी अदर स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा। शी प्लेड रोल इन सरफरोश एंड हम आपके हैं कौन, दिल दे चुके सनम एंड देन कुमारा है, देन देवदास है, एक विवाह ऐसा भी अजब प्रेम की गजब कहानी, आई लव दैट नॉटी मॉमी एंड अकीरा। इन अकीरा यू आर द मॉम ऑफ सोनाक्षी सिन्हा। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू नेम, शी हैज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फिल्म्स। सो वेलकम 12 in 12 in। थैंक यू। So, Smita ji, there is no certain rules, okay? I'm asking some, you know, random questions. So, maybe your mind will be, you know, running here and there, but it will be fun, okay? So, first question is, on a scale of 1 to 10, how strict were your parents? My parents were not strict at all. Not at all. So yeah. You are free to do whatever you want to. Yeah, but in those days, the children were not like what they are today. Right. We were आज्ञाधारक बच्चे थे हम लोग, तो ऐसी कुछ चीजें नहीं की जहाँ पे पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता था कि अभी ये करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा वो जमाना नहीं था। नहीं था, करेक्ट करेक्ट। So tell us about something, how you entered in films. My entry in films is like a miracle. I had never thought of it at all. It was not in my dreams. कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं almost about 30 to 35 years ago दूरदर्शन के लिए एक as an announcer, तो तब दूरदर्शन ही था सिर्फ, तो दूरदर्शन के लिए announcer के job के लिए वहाँ पे पहुँची और मेरी मुलाकात एक producer से हुई जो तब कोई मराठी legal programs बनाते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, सिंस आई हैव डन लॉ, सो ही सेड व्हाई डोंट यू कंपेयर दिस प्रोग्राम। सो आई सेड यस एंड दैट प्रोग्राम वाज गॉट वेरी पॉपुलर एंड दैट्स हाउ पीपल अप्रोच मी फॉर टेलीविजन सीरियल्स एंड प्लेज एंड एड फिल्म्स एंड इट ऑल जस्ट स्टार्टेड इट्स विद सच अ थड कि मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था मैं कहाँ जा रही हूँ, ये कहाँ रास्ता लेके जा रहा है। आई वॉज जस्ट फ्लोइंग विद द क्राउड, इट जस्ट हैपेंड। आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई एम नॉट ट्रेन्ड एज एन एक्ट्रेस, नथिंग। No training or nothing. Okay, so my second question is because you are also doing spiritual healing classes and you know, so when were you inspired to start your spiritual journey along with the acting? ये ऐसा हुआ कि जब मैंने पहला साल जब मैंने entered films, first or second year of my films, I met my first master, Prabhuji. He used to stay very close to my house. And उनसे मेरी जब मुलाकात हुई, जो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे उनके पास लेके गया। माय हस्बैंड इज अ लॉयर, तो प्रभु जी का कुछ लीगल काम था इसलिए मैं मुझे ड्रैग किया गया। मैं जाना भी नहीं चाहती थी, बट जस्ट सो हैपेंड सर्कमस्टेंसेस दैट आई वाज ड्रैग देयर एंड आई मेट माय फर्स्ट मास्टर। माय जर्नी स्टार्टेड देन इटसेल्फ, व्हिच इज ऑलमोस्ट 32-34 इयर्स बैक, ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नी एंड माय फिल्म जर्नी। सो इट ऑल स्टार्टेड ऑन वन लेवल एट वन टाइम। So, तब से शुरुआत थी स्पिरिचुअलिटी की, तो बहुत अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मालूम नहीं थी तब। स्पिरिचुअलिटी शब्द भी एक ऐसा, बहुत लोग were not very accepting to that word. Today it is a very different thing, but then when I said I even inclined towards spirituality, I was made a joke of and what not. तो वो जमाना तब का था, but फिर भी I continued with it because I knew what I was getting. Yeah. Okay. And then of course. Yeah, go ahead. Then of course, I went from one master to the other, and so many masters have blessed me, and I've done a lot of processes with all of them. At the moment, my master is Dada Shri Ji. So ये सब कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, अभी तो सब आठ नौ साल से मैं उनसे जुड़ी हूँ। मेरे मास्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा, and that's how my healing and my classes and everything all started. Wonderful. So my third question is there. How would you describe yourself in 3 words? Oh my God, in 3 words. Five words. Two more.
One word I would say, I'm a very honest and a very transparent person. Good. Transparency and? Yeah. Honest to myself, I am. दुनिया के साथ आप honest रहे ना रहे, लेकिन अपने साथ आपको honest रहना बहुत जरूरी है. Absolutely. And I love someone up there very much. Believe in the one God. Yeah. All right. Okay. So another question is here. So what makes you smile and what scares you the most? Smile to every little thing, anything makes me smile. That is not a problem. My name is only Smita, तो वो तो मुस्कान ही उसका मतलब बनता है ना. वो तो नाम से जुड़ चुका है. But what scares me that मेरी spiritual जो धारणा है, जो मेरी spiritual journey है, वो पूर्ण हो before I leave my physical body. Okay, we will pray for that, inshallah. Yes. And if you could have dinner with anyone from history, who would it be? From history? Yeah. Historical figure? Historical figure or spiritual figure. I mean, you are doing both. Spiritual figure? I would love to have dinner with my own master. Okay. Sure. But there, he is live, no? Yes. So it's not history. Pick up the history. Matlab, achha, pick up. Okay. Yeah. Then Mahavatar Babaji. Okay. Perfect. I don't know if you've heard of him, but he's also one of the very big, great saints of yesteryears. Okay. 5,000-year-old energy, Mahavatar Babaji. Jo ye sun rahe hain aur unko agar malum nahi ho, तो महावतार बाबा जी अगर आप गूगल करें तो उनकी छवि और वो सब दिखाई देगा आपको, उनके बारे में जो भी जानकारी है मिल सकती है. Sure, we'll do. And what accomplishment you are most proud of? I don't think I have really accomplished anything like that. मुझे नहीं लगता मैं उस चोटी पर अभी पहुंची हूँ. अभी तक मेरा मार्ग है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी उस चोटी तक still going on. You never till the end of your life, you never. I don't think you can. One can ever say that I have accomplished. Maybe ये हो गया मेरा. ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ अभी. Okay. बहुत कुछ accomplish करना है. करना है. Very very genuine answer. So how has fame changed you as a person of coming years in films or whatever you did till now? मेरी स्पिरिचुअल जर्नी हैज चेंज मी, मतलब पूरी तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन, जिस चीज ट्रांसफॉर्मेशन की बात जो हम कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से ही मिला. आप मुझे 30 साल पहले नहीं जानती थी, अगर जानती तो पता चलता जो मैं थी और आज जो हूँ, इट्स अ मोन्यूमेंटल डिफरेंस इन व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई एम टुडे. तो स्पिरिचुअल जर्नी एनी वे किसी की भी, अगर ये आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू होती है तो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जी. या सो दैट इज व्हाट आई एक्सपीरियंस. सो इज देयर एनी कैरेक्टर यू प्लेड ऑलरेडी इन पास्ट फिल्म्स दैट इज मोर क्लोज योर टू योर हार्ट एंड यू थिंक ये वाला कैरेक्टर है जिसने मेरे ऊपर असर डाला एंड आई एम चेंज राइट अ लिटिल बिट? नहीं, फिल्मी कैरेक्टर्स इस तरह से नहीं होते. वो एक इट्स अ फिक्शन है ना, इट्स एन इमेजिनेशन वाला, तो इट्स लार्जर देन द वर्ल्ड. नॉर्मल दुनिया से एक इमेजिनरी वर्ल्ड, इट्स अ ग्लैमर वर्ल्ड, तो उससे कुछ जुड़ित नहीं है. लेकिन मेरे स्वभाव से जुड़ित जो कैरेक्टर अगर जो मैंने किया है, वो मैंने अस्तित्व में प्ले किया था. अस्तित्व या तबू वाज देयर इन दैट. हां, दैट वाज क्लोजर टू माय हार्ट. So if your life was a movie, what songs would be on the soundtrack? Make up song. Life is a movie. Songs would be on the soundtrack. All Hindi songs. Hindi, Marathi, आपने तो बहुत सारी जुबानों में जमा किया तो मतलब मैंने की हुई पिक्चर है. जी 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 जी. Any song you like it? Any song you like? आपकी लाइफ में कौन सा सॉन्ग चल रहा होता अगर आप फिल्म में होते? माय गॉड, अभी इस एकदम फटाक से याद करना बहुत मुश्किल है.
बट मुझे वो हम दिल दे चुके सनम का वो गाना मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगता है, टाइटल सॉन्ग है। अच्छा, हम ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, उसकी वर्डिंग बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू, हु इज द बेस्ट ड्रेस्ड मैन एंड वुमन इन बॉलीवुड? बेस्ट ड्रेस्ड मैन एंड वुमन? वुमेन तो मुझे रेखा जी जिस तरह से तैयार होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू सी हर, आई लव टू सी शर्मिला टैगोर, शर्मिला टैगोर, यस यस, मैन ग्रेट, या मैन बच्चन साहब, बच्चन साहब। ओके ओके यस ओके, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग यू हैव एवर सीन अ स्ट्रेंजर डू? हाय भगवान, आपके सवाल है। फनीएस्ट स्ट्रेंजर एवर डू, याद ही नहीं आ रहा है कोई, कैसे कोई आ रहा है मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, वेरी ऑनेस्टली। ओके, वी कैन पास दिस क्वेश्चन। सो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ समवन आस्क यू 3 टाइम इन अ रो इन द सेम पार्टी, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक? I will say yes, you can get me a drink. You can get me a soda with limbu. Limbu? With lime squeezed in it and some ice. I would love to have that drink. Okay, good. So, but 3 times aap one mein. So, you will order 3 times. Main teen baar, teen baar agar poochega to 3 baar main wahi bolungi. Wahi bolungi. Okay, theek hai. Okay, so the most favorite couple of Indian cinema on screen and off screen? Most favorite couple... मतलब मैरिड होने चाहिए क्या? अनमैरिड हो? जो अच्छे दिखते हैं ना एज अ कपल, वो ऑन स्क्रीन जो अच्छे दिखते हैं, वो अनमैरिड है, मैरिड है, डजंट मैटर, लेकिन शशि शमी कपूर और शर्मिला टैगोर की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, ब्यूटीफुल जोड़ी, बहुत अच्छा। That evening in Paris and all films were very, very nice. Wonderful. And off screen? Rishi Kapoor and Neetu Singh. They are... beautiful, yeah. Still with on screen, off screen, yeah. They are always... Uh-huh. So, this is our 12 questions completed. You did very well. Oh, of course, quick. 12 ho gaye. 12 ho gaye. And, but because I'm... foodie, I'm cooking every single day fresh food in lunch and dinner. So, would you like to invite me at your home? Sure, I make very good food also. Oh, wonderful! I would love to come. So, if I came to your Boston se aana padega aapko, yaad rakhiye. I'm coming every in December. Is time December? Aligarh mein aaye hain wo, UP mein. इस टाइम दिसंबर में भी आना होना होगा कि नहीं पता, इस साल तो अभी कोई प्लान नहीं है। सो इफ आई केम टू योर होम एंड लुक इनटू योर फ्रिज, व्हाट वुड आई फाइंड? यू विल फाइंड सब्जियां, सब्जियां, यू विल फाइंड फिश, चिकन, मटन, बिकॉज़ वी आर नॉन वेजिटेरियंस। ओके, गुड, सो आई एम नॉन वेजिटेरियन टू, सो आई हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू योर फ्रिज एंड वी कैन कुक टुगेदर, ईट टुगेदर। यस, sure, thank you so much for giving me aapki cheeze, jo muslim cheeze hai mujhe bahut pasand hai, kya wo batate hai, hamari biryani bahut achhi hoti hai, iski biryani nahi nahi, ghar ki biryani bahar wagaire bhi milti hai, ghar ki cheeze jo hai wo, ghar ki cheezon mein main aapko bata sakti hu, parka sakti hu, yummy aloo gosht, mooli gosht, tinde gosht, arbi gosht, ye cheeze bahar nahi milti, wo that I like to eat. Yeah, so wonderful. Thank you so much for giving me your time. Thank you.